In this video, I will teach you about heterotrophic nutrition. तो some plants that do not have chlorophyll, कुछ plants ऐसे होते हैं बेटा जो chlorophyll नहीं रखते हैं, cannot synthesize their own food, और वो अपना food खुद नहीं बना पाते हैं, so they have to depend on other plants for food, और वो इसीलिए depend रहते हैं other plants for food के लिए. This mode ही, और ये हमारा mode ही क्या कहलाता है nutrition का, is called heterotrophic nutrition. And organism having this type of mode nutrition are called heterotrophs. ठीक है, और ऐसे organism क्या कहलाएंगे हमारे, heterotrophs. तो heterotrophs are the following types. बेटा heterotrophs जो होता है mostly following types, और ये जो types हैं वो दे रखे हैं, कैसे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, सेफ्रोफाइट्स होते हैं और सिम्बायोन्ट्स होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द पैरासाइटिक प्लांट्स. तो पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, तो पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स होते हैं, हो सकते हैं. तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट. अब बेटा होस्ट आएगा, आपको थ्योरी में पूछेगा व्हाट इज द होस्ट, क्या लिखेंगे, तो पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म, तो आप लिख सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, जो फूड अदर ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं वो होस्ट कहलाते हैं. तो इट इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन इन विच ओनली पैरासाइट्स आर बेनिफिटेड. ठीक है, तो पैरासाइटिक प्लांट्स टेक दियर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स. पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड टेक माने लेते हैं फ्रॉम अदर प्लांट्स. ठीक है, जैसे द कैस्काडा, कैस्काडा को हम कॉल्ड अमरवेल भी कहते हैं, तो ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स है. ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा राइट द टू नेम ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स. ठीक है, तो आप लिख देंगे, एक तो आपके पास कैस्काटा है, ठीक है, एक मिस्टेलियोटोए है, ठीक है, और भी हैं हमारे पास. ठीक है, रेफ्लेसिया है, ये कैसा है, पैरासाइटिक प्लांट्स है. तो आपको दो लिखना है, एक कैस्काटा एंड रेफ्लेसिया. ठीक है, कुछ और एग्जांपल हैं आपके पैरासाइटिक प्लांट्स में, जैसे रेफ्लेसिया है, एलोरेटल है, बिचवीड है, ठीक है, एंड ब्रूम रेफ है, ये पैरासाइटिक प्लांट्स. नेक्स्ट है हमारा सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. ठीक है, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स का क्या होते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वह मोड इन विच, जिसमें ऑर्गेनिज्म टेक माने लेते हैं न्यूट्रिशन को फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर से, मृत जो डेड होती हैं उन मैटर से लेते हैं न्यूट्रिशन को, वो हमारे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं. ठीक है, प्लांट्स दैट यूज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स. तो एग्जांपल क्या है सेप्रोफाइट्स की, सेप्रोफाइट्स के जो एग्जांपल है वो मोस्टली, एक तो फंगाई है, फंगाई में जैसे मशरूम है, मशरूम आएगा, मशरूम एग्जांपल किसका है, क्वेश्चन आएगा बेटा पैरासाइटिक प्लांट्स का, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स का. तो मशरूम या फंगाई इज द एग्जांपल ऑफ सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. इंडियन ऑर्चिड है, स्नो ऑर्चिड है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के. ठीक है, आप इन्हें लर्न कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक प्लांट्स.